आप में से कितने लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स हाथ उठाओ। फर्स्ट टाइम वोटर्स इधर भी इतने सारे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन में क्या है? कुछ नहीं, हम इस बार भाजपा को वोट करने के सोच रहे थे। क्यों? वो मोदी जी की वजह से वो देश के विकास में बहुत अच्छा हाथ है उनका, इसलिए। अच्छा, मोदी जी आपको लगता है कि वही विकास देश का कर रहे हैं? आप भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हो? मोदी सरकार जैसी कोई सरकार नहीं है और मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। यूक्रेन जैसे युद्ध से भी स्टूडेंट को बाहर निकालना बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए। मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि स्वच्छता और राम मंदिर का निर्माण किया है, बहुत कुछ किया है हमारे लिए। आप लोग राम मंदिर निर्माण से खुश हैं? आपके लिए भी वो इशू है वोट करने का? नहीं, राम मंदिर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उसका निर्माण हुआ उसके लिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इश्यूज लगते हैं चुनाव में? इश्यूज का तो आई डोंट नो, बट एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। किसने किया है? मोदी सरकार। ट्रिपल तलाक कानून, जो इस्लाम में तलाक की बिद्दत थी, जो कि मुंह पे बोल के तलाक दे सकते थे, उसको खत्म किया इस सरकार ने, आपको लगता है ये सही किया है? यस। बताइए आप क्या सोचते हैं? मैं ये ज्यादातर सोचती हूँ कि ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए कुछ उन्होंने और अच्छा करना है, और उन्होंने ऑलरेडी अच्छा किया हुआ है। और सारी फैसिलिटीज उन्होंने ओवरसीज स्टूडेंट्स जो हो सकते थे, मतलब वो जो अप्लाई कर सकते थे, उन्होंने यहाँ पे भी स्टार्ट किया, और आई थिंक वो अभी भी कुछ और ज्यादा कर सकते हैं। और काम करना जरूरी है, और काम करना बहुत ही ठीक है। बदलाव तो मोदी सरकार में ही जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं करा, वो काम 9 साल में हुआ है भाजपा सरकार में। नहीं नहीं आएगा, सबका टाइम आएगा, वो देखते हैं कब किसका आएगा। हिम्मतनगर में कांग्रेस सरकार थी, ना मेडिकल कॉलेज थी, हिम्मतनगर में मेडिकल कॉलेज बन गई, हिम्मतनगर में इतना बड़ा रियर फ्रंट बन गया, हिम्मतनगर में इतना विकास हुआ, सब मोदी सरकार के आने के बाद ही हुआ है। इतने सालों के बाद 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है, सनातन का उदय हुआ है, और शिक्षा के मुद्दे, सड़कें बनी है, इतने हजारों किलोमीटर की सड़कों की कनेक्टिविटी हुई है, और इस बार प्रचंड बहुमत से हम 400 के पार जाने वाले हैं। आप लोग बताइए, आप लोगों के क्या इश्यूज हैं, क्या यहाँ पे 100% 400 के पार हम जाने वाले हैं। हर दिल में मोदी का ही नाम है, जिन्होंने सनातन का उदय किया है। आने वाले वर्षों में हमारे जिले में और भी विकास कार्य है, पाइपलाइन वो भी होने वाले हैं, बुलेट ट्रेन भी अगले बरस में, वो उसका सर्वेलेंस हो गया है, बुलेट ट्रेन भी यहाँ से इस जिले में से गुजरने वाली है। मैडम, जब 317 हटाना था कश्मीर से, तब कुछ लोग बोल रहे थे कि खून की नदियां बहेगी, लेकिन एक कतरा भी नहीं गिरा, इतनी बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है। और दूसरी बात कि खेडूतों को कुछ ना कुछ जो किसान सहाय देते हैं, वो पहली बार मोदी सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, आप बताइए। अभी तो मोदी जी के राज में अच्छा ही काम चल रहा है, अभी खुश है? हाँ, मैं तो खुश हूँ, यहाँ विकास हुआ, व्यक्ति के ऊपर देख के काम करने का और वोट देने का। ये है कि ये ITI कॉलेज है, उसके पीछे मेडिकल कॉलेज है, इतना छोटे से डिस्ट्रिक्ट में। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव? फर्स्ट टाइम वोटर? नो मैम, सेकंड टाइम। यस, ओके, वी आर विद मोदी सरकार ऑलवेज, एंड वी हिंदी में बोलिए। ओके, हम लोग प्रोग्रेस देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी प्रोग्रेस देख रहे हैं, और आज के स्टूडेंट वैसे नहीं है कि किसी की बातों में आ जाएंगे, वो मोदी के साथ है। जिनके पास 2047 का प्लान हो, उसके लिए कोई सोचना भी नहीं चाहिए आगे का, उन्होंने किया हुआ ही है, तो कोई डाउट है ही नहीं हमारे पास। तो छात्रों में तो बहुत पॉपुलैरिटी दिख रही है मोदी, बहुत किया ही काम ऐसा है, तो पॉपुलैरिटी होनी ही चाहिए, क्यों नहीं? जल्दी बोलिए। अभी लोकसभा का इलेक्शन है, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मोदी साहब के फेस पर लड़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा, यूक्रेन युद्ध हुआ था, उसमें एक कॉरिडोर बनता था, भारत का फ्लैग लगता था, और स्टूडेंट दोनों तरफ से फायरिंग बंद हो जाती थी, और वहां से स्टूडेंट सही सलामत निकलते थे, यानी विश्व गुरु तरफ, भारत विश्व गुरु बनने के आगे है, और रोड रोडसा इंफ्रास्ट्रक्चर और आतंकवादी एक भी घटना नहीं बनती है। इसके लिए मोदी के फेस पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा, मोदी को देख के ही लोग वोट करेंगे। मैम, राम मंदिर का जो निर्माण है, वो कांग्रेस के टाइम तो कभी बात भी नहीं होती थी, इन्होंने बात भी की और करके भी दिखाया है, तो ऑब्वियसली दे डिजर्व। अच्छा, और कौन बोलेगा छात्र? सही है,
भाजपा सरकार के आने के बाद महिलाओं के अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आया हुआ है, सुरक्षा बढ़ गई है और उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हो गई है जिसके लिए किसी भी महिला को प्रॉब्लम नहीं हो सकती और ये बहुत अच्छी बात है। अब की बार मोदी सरकार मोदी सरकार ही आनी चाहिए, बीजेपी। क्यों? उसने ज्यादा प्रोग्रेस किया है। क्या प्रोग्रेस किया है, क्या विकास किया है? रोड योजना पूरी की है, बाद में ये राम मंदिर बनाया। इसलिए आपको लगता है कि उन्हीं को जीतना चाहिए, आप बताइए। यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा सरकार आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी दी है और बहुत ही सारा हेल्थ केयर भी बनाया है। और मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में ही हमारी भारत की GDP है जो वो बहुत बड़ी है और वहाँ से आके बहुत सारे लोगों ने अपने वापस भी आए और बहुत सारा काम भी किया है। आप भी स्टूडेंट हो, फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं आप लोग भी हो? हमारे यहाँ विजयपुर में पहले कांग्रेस को जिताते थे, तब हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, लेकिन अब विजय चावड़ा जैसे ही भाजपा में आए रेलवे स्टेशन फंडिंग हो गई, अब रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है। और हमारे यहाँ पर पहले गरीब लोगों के लिए इलाज के लिए सुविधा नहीं थी, अब मोदी जी की जो स्कीम है ममता कार्ड और वो सब, गरीब लोगों को अच्छे से इलाज मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, इसलिए बीजेपी आनी चाहिए। हम 18 ईयर ओल्ड है, हमें पता है वोट किसे करना है, कौन सी सरकार को वोट करना है हमें पता है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, हमारे इधर बीजेपी की सरकार ने बहुत ही सारा डेवलपमेंट किया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से उज्जैन के लिए, महाकाल के लिए रेलवे स्टेशन का भी डेवलपमेंट किया गया है और हमें महाकाल के लिए जाने के लिए ट्रेन का भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। भाजपा सरकार में जो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी बन चुकी है, वर्ल्ड की 3rd नंबर की सबसे ज्यादा इकोनॉमी अपने बनने के कगार पर है अभी। मैडम ये मोदी साहब के 10 साल में पिछले बहुत विकास हुआ है। अगर आप हिम्मतनगर की बात करते हैं तो सबसे पहले नॉर्थ गुजरात में प्रफुल्ल भाई पटेल जब धारासभ्य थे माननीय गृह मंत्री जी, तब हिम्मतनगर में मेडिकल कॉलेज आई है जिसको आज 10 साल पूरे हो गए हैं और 6 लेन रोड का काम भी पूरा हो गया है। जो ब्रिज का थोड़ा काम बाकी है वो टेक्निकल कारणों से बंद है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम बंद नहीं है। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर पर जो छात्र थे आप लोगों ने अपनी बात बढ़ चढ़ कर कही है, तो एक बार फिर चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ पर जो पारंपरिक नृत्य है उनके साथ हम लोग बातचीत करें, एक बार जल्दी से थोड़ा सा बंद कर दीजिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, आप लोगों के क्या मुद्दे बोलेंगे? गुजराती में ही बोल दो क्या सोच रहे हैं? हाँ मोदी सरकार कम्प्लीट, मोदी सरकार चावी जा है, हाँ विकास कर रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हैं? मोदी मोदी लावनो अपने मोदी। हाँ बताओ आप क्या सोच रहे हो? मोदी आने चाहिए। उनको अपने मन से बोलने दो ना, आप क्यों? बोलो बोलो बोलो।